हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कव हिडन टैलेंट। मेरे पास कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस आए थे कि मैम, आप जब भी प्लांट लगाते हो रोज़ के, तो उसके बाद में उसमें जो ब्लूमिंग हुई रहती है उसका क्या करना है। तो उसका आपको सिंपल सा एक प्रोसेस करना है कि वो जब ब्लूमिंग फिनिश हो जाए, जब आपके फ्लावर्स ब्लूम कर जाए अच्छे से, तो आप उनको 3 ब्रांचेस या 2 ब्रांचेस के लगभग में, जितनी बड़ी ब्रांच हो उसके मेजरमेंट के बेसिस पे आप उसको वहाँ से कट कर दीजिए। जहाँ से रॉटन हुआ है वो पार्ट तो आपको बिल्कुल कट कर ही देना है, जिससे कि आगे पार्ट में और ज़्यादा दिक्कत ना आए, फंगल इन्फेक्शन ना फैलने पाए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ ब्रांचेस को मैंने काफ़ी डिस्टेंस से कट किया है और कुछ ब्रांचेस को मैंने कम डिस्टेंस से कट किया है। इट मींस कि जो ज़्यादा डिस्टेंस से कट किया है वहाँ पे कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से मैंने उसको कट कर दिया, जैसे कि और प्लांट में ना हो और आसानी से उसमें और नए ब्रांचेस डेवलप हो पाए। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर के आएँ, ब्लूमिंग प्रोसेस डन हो जाने के बाद में वो फ्लावर्स आप कट करके हटा दें, और अगर वहाँ पर नीचे ब्रांच के पास में ड्रॉप्ड पेटल्स हैं या फिर वहाँ पर कोई भी ग्रास डेवलप हो गई है तो वो आप हटा दें। कुछ शकर भी डेवलप हो जाते हैं जो कि नोड एरिया से नीचे डेवलप रहते हैं, तो वो शकर भी आप रिमूव कर देंगे, उससे आपका प्लांट इफेक्ट नहीं होगा और प्लांट की अच्छे से डेवलप होगी। और जिस पार्ट को आपने कट किया है किसी शार्प कटर से, वहाँ पर आपको कोई ना कोई फंजीसाइड ज़रूर लगाना है। अगर आपके पास में साफ पाउडर है तो आप साफ पाउडर को हल्का सा वाटर लिक्विड के साथ में डाइल्यूट करके उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में साफ पाउडर नहीं है तो रेदर देन बाइंग, आप खरीदने की बजाय वहाँ पर टर्मरिक पाउडर को पानी के साथ में पेस्ट के फॉर्म में लगा सकते हैं, जब तक आप बाय आउट नहीं कर लेते। वैसे साफ पाउडर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रोज प्लांट की केयर के लिए और फंजीसाइड की तरह काम करने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। रोज प्लांट काफ़ी अटेंशन सीकर प्लांट होता है, इस वजह से उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत आसानी से आपका प्लांट इफेक्ट हो जाता है, तो उसका केयर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। बाकी प्लांट्स की तरह आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा केयर रोज प्लांट की ही करनी होगी। अब प्लांट के कट पार्ट्स में फंजीसाइड लगाने के बाद में मैं इसमें साफ पाउडर का लिक्विड भी स्प्रे करूंगी, जिससे कि जो रूट्स में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या कोई भी दिक्कत हुई हो तो वो रिमूव हो पाए। और साफ पाउडर का स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं आप तो टर्मरिक पाउडर का करिए, एज इट इज़ करना है आपको। 1 डे का गैप करके आपको करना है 2 बार, और 1 बार आपको फिर से करना है 3 या 4 डेज का गैप करके। कम से कम 3 बार इस तरीके के साइकिल में आप साफ पाउडर का स्प्रे कर देंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन से। अगर आपके पास में साफ पाउडर नहीं है तो आप टर्मरिक पाउडर का घोल ज़रूर यूज़ करिए उसके प्रोटेक्शन के लिए। अदरवाइज जो नर्सरी के बाद लाया हुआ प्लांट होता है या प्लांट किया हुआ प्लांट होता है वो एटलीस्ट 1 मंथ तक क्रिटिकल पोजिशन पर रहता है, उसके डेवलपमेंट ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो प्लांट किसी और एटमॉस्फेयर से आपके एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस टाइम पे आपको उसकी सबसे ज़्यादा केयर करनी होगी। आज की प्लांट टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए वीडियो में प्लांट टिप में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।